गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अकेले कबीर साहब इतना तेजो में रूप हो गया उनका और चौर अपने आप घूम रहा है सिर पे। जब देखा रामानंद जी ने को तेरा गजब हो रही तो भगवान स्वयं यही तो है मालिक। चरणों में गिर गए वहीं पर। परमात्मा बोले, सुन रामानंद, मैं हूं वो परमात्मा और जो मुझे यहां देख लेगा वो मुझे भगवान मानेगा और संसार तो मुझे धानक जुला ही जानता है। अब आप वापस जाइए। एकदम ऐसा किया था, एकदम वापस आ रामानंद की आत्मा ऐसे फड़क के उठा। अब सामने परमात्मा बैठे। अगर ये स्वप्न न सोचता कबीर जी सामने ना होते तो न सोचा मैंने स्वप्न आ गया होगा बैठे बैठे ने। और जब सामने दिखा ओए होए वही बच्चा फिर सामने आ बैठे, चरणों में गिर गए। 104 वर्ष का विद्वान पुरुष, दुनिया महिमा करे उसकी, इस जैसा विद्वान नहीं, इस जैसा ज्ञानी नहीं, चरणों में पड़ गया 5 वर्ष के धानक के बालक के। और क्या कहा, दोहु ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हारी। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तो पुण्यात्माओं, आंखों देखा रामानंद जी ने बताया कि आप परमात्मा हो, दोनों जगह आप ही काम करते हो। ऐसे गरीब दास जी को परमात्मा लेकर गए थे 10 वर्ष के बालक को, जब छुड़ानी में जन्मे थे ये। उन्होंने वापस आकर के क्या कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी वाहे कबीर हुआ। हु कबीर, कौन सा कबीर है वो कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये है वो धानक रूप रहा करता। नानक साहब क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है महला पहला की वाणी में प्रश्न नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा यो सतनाम और जो सार नाम है, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, और फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा गत। ये 24 नंबर पृष्ठ पे ये वाणी लिखे तो दास बोलकर सुना रहे। फिर 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा, यो कैसे मुंडा पावे। एक सेकंड में यहां देखता हूं ये छोटी जात का कहें जिसने, और एक सेकंड में कहते ऊपर बैठे पावे सतलोक में। फिर 721 पृष्ठ पे कहते हैं नानक जी कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, के हे सारी सृष्टि को वचन से रचने वाले कून करतार यानी शब्द स्वरूपी परमात्मा, हे हक्का कबीर, वहां स्पष्ट लिखा है सत कबीर और बे ए परवरदिगार आप निर्विकार परमात्मा हो। ऐसे ही दादू साहब कहते हैं कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सृजनहार। तो दादू साहब को भी परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, यानी आज का जो सत्संग था
एक तो हम कैसे भक्ति का विश्वास करें, हम जो कर रहे हैं वो खरी है। दो कारण, एक तो हमारे सदग्रंथ जो थोड़ी थोड़ी हमारी वो हमारा आधार है, दूसरा प्रैक्टिकल जिन्होंने किया, प्रैक्टिकली महापुरुषों ने किया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, इसी तरह धर्मदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए थे फिर छोड़ा था, ऐसे आदरणीय रामानंद जी को, आदरणीय दादू साहिब को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों ने प्रैक्टिकल देखा मालिक को और वही जाप किया इन्होंने वापस जाने के लिए सतलोक में। जो दास आपको दे रहा है वो उसी से आपका मोक्ष होगा। और दूसरा ये था कि परमात्मा को निराकार बताते आपके सामने रूबरू कर दिया, वेद बताते वो तीन प्रकार से मनुष्य शरीर है उसका, तीन प्रकार से शरीर की लीला करता है, एक रूप में सतलोक में बैठा है, तो जहां आता है शिशु रूप धारण करता है, एक लीला एक आम जनता आम नागरिक की तरह जीवन जी कर दिखाता है कि संसार के अंदर इतना ही पर्याप्त है, गणा धन के पीछे मत पड़ो, भक्ति करके पीछा छुड़वाओ। और तीसरी सतिथि में वो कभी भी कहीं भी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं, अपने से परिचित करा कर उनको पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार वो परमात्मा वो कबीर साहब हैं जो बनारस में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे, धानक रूप रहा करतार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माए कबीर, ही इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है कि ये मानव शरीर किस लिए हमें प्राप्त हुआ था। मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि भोले प्राणी मात पिता संतान संपत्ति परिवार तो तुझे मात पिता संतान कहते ये अन्य प्राणियों के शरीरों में भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य इतना ही मान रखा है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, हम अपने कुटुंब और मात पिता इस परिवार के ही सभी परंपराओं में मर्यादाओं में अपना निर्वाह करके इनका पालन करके बड़े गर्व की बात समझते रहे। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये मात पिता तो आपको पशु बनोगे पक्षी बनोगे कुत्ते बनोगे वहाँ मात पिता मिलेंगे, गधे बनोगे वहाँ भी मात पिता मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर ही आप सतगुरु सेवा और भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं,
कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहूं को होए। कबीर सुख में सिमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। मानुष जन्म पाय कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत कन्या बली और साकट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथन जिसमें दूध ना मूत। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी आपत्ति के समय परमात्मा को याद करते हैं, सुख होता है जो भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख में भी भगवान को आप याद करोगे तो आपत्ति नहीं आएंगी। फिर कितना महत्व बताया है भगवान की भक्ति का, कि मनुष्य जीवन ये बार बार प्राप्त नहीं होगा, एक बार आपके हाथ से ये छूट गया तो ऐसे समझो जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि बिना भक्ति के ये प्राणी जो संसार छोड़कर जाता है, अंत समय में इसको सारे जीवन में जो जोड़ा था, इकट्ठा किया था और जो परिवार बना था, वो बहुत याद आता है। सारा जीवन परिवार के पोषण में, दुनिया के शोषण में और अपने कोठी बंगले बनाने में खो दिया। चलते समय जब इसको पता चलता है कि सारा कुछ तेरा यहीं रह गया, अब तू जा रहा है अकेला, ना कोई परिवार का सदस्य तेरे साथ है, तो उस समय की क्षतिथि बताते हैं कि पछाड़ खाखा रोएगी ये आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। कहते टक्कर मार मार कर, डकरा डकरा कर रोती है ये आत्मा जब जम के दूत इसको घसीट कर ले जा रहे होते। इसका सारा कुछ यहीं रह जाता है जो सारे जीवन में इसने जोड़ा था, जिसको ये अपना माने हुए था। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, और चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा बॉडी नहीं है, बोले आत्मा, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, ये कोठी बंगले कार ये बैंक बैलेंस बना लग रहा बोंडू, ये तेरे कैसे हो सकते हैं। तेरा क्या है, तेरा है भक्ति जो सीमन तू कर रहा है, और तेरा है जो हाथ से छोड़ दिया, दान कर दिया। दान भी कहते हैं सुपात्र को करे, गलत स्थान पर किया हुआ दान भी व्यर्थ होता है।
गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, न्यू कह रहे साहेब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरो फिर साहेब सुने ना कान। परमात्मा कहते हैं धर्म तो दसके नहीं ये दसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है भाई कीजे अतंपोक। तो मनुष्य जीवन के आपके साथ जो मनुष्य जीवन में संग्रह करोगे ये धन है जो आपका आपके साथ जाओगा। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। कि सारा संसार निर्धन है जिसके पास सत्य भक्ति जो राम का नाम का धन है, यानी सच्चे मंत्रों की कमाई जो है राम नाम का धन होता है, वो एक धनवान है। बाकी संसारिक संपत्ति भौतिक जिसके पास संपत्ति है उसको अध्यात्म मार्ग में धनी नहीं माना जाता। फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्मा आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया, ऐसा स्थान बनाया जाता है जहाँ भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहाँ परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है, सभी उठकर वहाँ प्रणाम करते हैं, सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं, फिर दिन में जब भी टाइम लगता है कोई मंत्र कर रहा है, कोई सीमन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलाना हो वो नो बोला वो नो बोला उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसी गलती करते हैं, तो इस तरह की बकवादें बतला के उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं, फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है। अब कहीं भी परमात्मा की चर्चा नहीं, सुबह उठते या तो न्यूज़पेपर पढ़ देंगे जिनमें कोरी झूठ बकवाद भर रखी होती है, समाचार पत्र, या टीवी चलाएंगे समाचार सुन लेते हैं सारा दिन बकवाद गड़े, या फिर फिल्म देखेंगे। तो जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार चलते हैं तब तक वो कुछ भी करता रहे और सपने में भी भगवान याद ना करो उसको सारे सुख मिल रहे होते हैं। तो संसार ये देखता रहता है, भगत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, हमें आपत्तियों का फिर भी कोई ना कोई सामना करना पड़ जाता है, और दूसरा व्यक्ति सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को बिंदुओं को ध्यान से सोचना। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और जब तक उनके पुण्य चलेंगे वो कितने को बद करो उनको कोई हानि होने वाली नहीं है, और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे, और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था।
विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी, हमने पाठ भी करवा लिया, ज्योत भी बोल दी, चौथी हाजिरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो। ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा। स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को, तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है। आप जी को सतगुरु मिले, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत भक्ति मिली है, और फिर आप साधना सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमोनिया होकर मर जाते, ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को डिस्टर्ब नहीं होने देना, जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सतलोक चले जाओगे और यहाँ भी राहत बहुत मिलेगी। तो इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं वो बालक है, और फिर ये सोचे कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करता, उसके ठाठ हो रहे हैं, तो वो भी आप इस ज्ञान से सोचना कि जब बैटरी किसी ने चार्ज कर रखी है इन्वर्टर की, और आगे चार्ज है नहीं उनके पास, लाइट कनेक्शन नहीं है, और उनकी बैटरी वो फिर भी उनके पंखे जल चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं, तो इसे अंडरस्टूड है, अनजान से अनजान व्यक्ति आजकल समझ सकता है कि वो बैटरी कितने दिन चलेगी। एक दिन एंड होगा और फिर अंधेरे में बैठेंगे, वे गर्मी में मरेंगे। इसी प्रकार जब तक पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज है पूर्व जन्म की, तब तक वो आपको सुखी दिखाई देते हैं, चाहे कितने खोटे खोदो, और आप अच्छे भी कर रहे हो और फिर भी महसूस करते हो हम दुखी, आप दुखी नहीं हो, आपके ऊपर तो ना जाने के कहर टूटना था, भगवान ने आपका आपकी रक्षा कर रखी है। तो इस करके संसार की तरफ ना देख करके परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चलना। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। कहते हैं चाहे कितना बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, कोट भी लगा हो, यदि वो भक्ति करता है, सत भक्ति करता है, तो उसका रोग भी ठीक होगा, उसको मोक्ष भी मिलेगा, और जो सुंदर शरीर है सारा दिन इसे के अपने देख रेख में इसी के गर्व करते हैं और भक्ति करते नहीं, कहते वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख ना ही नाम। फिर कहते राम रटत कन्या भली और साकट भलो नपूत, बकरी के गल में गलथड़ा जिसमें दूध न मूत। क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है बिना ज्ञान के, वैसे पुत्र और पुत्री में हमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा की आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कार सब साथ लेकर आते हैं।
फिर भी उस समय जो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे कबीर भगवान, तो उस समय क्या कहा करते कि बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, बेटे बेशक चले जाओ। लेकिन रिवाज तो थी नहीं भक्ति की, वैसे को दुख में वैसे कोई साधु संत के पास चले जाते थे दाढ़ा दूढ़ा लुवाने के लिए। फिर भी परमात्मा याद दिलाते हैं कि राम रटत कन्या भली, भक्ति अगर बेटी कर रही है उस बेटे से 100 गुना अच्छी है जो भक्ति नहीं करता। वो बेटा कैसा है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटकिया करे, थन जैसी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो व्रत का बोझ है उसके गल में बकरी के, वो किससे काम की कोनी वो खाल, ना दूध ना मूत, यानी किससे काम नहीं आती वो। इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो मात पिता के गल में गलथना है, और वो कन्या जो भक्ति करती है माँ के, वो बेटा तो मात पिता पर भार बनेगा कोई से को, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति आएंगी, तो माँ बाप साथ दुखी होते हैं, जो पुत्र दुखी होता है तो वो डिस्टर्बेंस करेगा आपकी भक्ति में भी, और दुखी भी रहेगा, दुखी रखेगा। और जो बेटी भक्ति करती है उसके साथ भगवान होगा, उसके संस्कार में कोई पाप कर्म का दंड भी आवेगा उसने भी भगवान रक्षा करेगा, और जिस परिवार में वह बेटी जाएगी उस परिवार को भी सुधारेगी, उसमें भी भगवान वह साथ रहेगा, भक्ति प्रवेश करेगी, तो वह बेटी सदा सुखी रहेगी। बेटी सुखी रहेगी तो माता पिता की आत्मा भी शांत रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली, और साकट जो भक्ति करे न करण दे उसको साकट कहते हैं। वो साकट बला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत, वो किसे काम का नहीं वो बेटा जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। इस जिव्या का कितना योगदान है हमारे लिए, यानी खारा मीठा चाखे, खाना खाने में सहयोग देती है। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जुबान से, इस जिभ्या से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती, तो इससे अच्छा तो इसने निकाल कर काट कर फेंक दे वो बढ़िया, क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है, और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्माओं ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है, ताकतवर है, गरीब को कोई ऐसा वचन कुवचन बोल देगा उसकी आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता, ताकतवर है, तो उसकी आत्मा दुखादी उस जीव रूपी तलवार ने उसका अटैक कर दिया, या किसी की निंदा करके लड़ाई करवा होगा, या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट गया जो भक्ति नहीं करते, तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पावर हैं, दो शक्ति हैं। एक तो यह सर्पुरुष जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और आज तक इन ऋषियों ने ब्रह्म का ही ज्ञान है, ब्रह्म से ऊपर इनको कोई पता नहीं था। और ये ब्रह्म कौन है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीर धारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से इसने यहां सबको मिसगाइड करके रोका हुआ है, मूर्ख बना रखा है, सत से अपरिचित कर रखा है, भगवान का नामो निशान मिटा रखा है, और सब कुछ भगवान बना दिया, कहीं दो ईंट लगाकर कोई
बना रखा स्थान, वो भी भगवान मत्था टेको। कई मूर्ति बना रखी है, वो भी भगवान, और ये देवता भी भगवान, ये स्वयं भी भगवान, इनमें से कोई सा भी परमात्मा नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने देव हैं ये परमात्मा नहीं है। पुण्यात्माओं, यही तो काम बिगड़ा पड़ा था कि हमने भक्ति मार्ग का कै खै भी पता नहीं, कै खै इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, और ऋषि में ऋषि जो सतयुग से लेकर आज तक जितने ऋषि हुए हैं जिनको हम बड़े पहुंचे हुए माना करते, इनको भक्ति मार्ग का कै खै पता नहीं। और जिसी कारण से आज हम इतने अंधेरे में पड़े हुए हैं कि सत्य ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास वो हिम्मत नहीं कि हम सच्ची सुन लें, जिसके कारण विरोध हो जाता है, हम नहीं सुनते, झूठ बोलता है, और झूठ को सच मान ली। एक कहावत है कि एक झूठ को 100 बार बता दिया जाए ना, वह सच्ची बन जाती है, सच्ची दिखने लग जाती है, और जब सत्य सामने आती है तो वो झूठी ही सत्य आगे अड़ जाती है। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है कि भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। अब भक्ति कौन से भगवान की करे, ये परमात्मा नहीं बताओ, और हम इनको सुप्रीम पावर माने बैठे थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी, ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं थे लेकिन आदर की दृष्टि से इसको समांतर देखते थे, किसके, विष्णु और शंकर जी के, इनसे ऊपर ही पता नहीं था, इससे ऊपर ऋषि एकादा कोई ऋषि कहता था ब्रह्म शक्ति है, वो कैसा है, वो निराकार है, उसका ओम नाम है। यहां बुद्धि टेकी थी आज तक सबकी, चाहे पवित्र हिंदू धर्म के लोग हैं चाहे पवित्र मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो भी इसी काल निराकार के ऊपर टिके हुए थे, चाहे पवित्र विश्व ये ईसाई धर्म के लोग हैं, ये भी निराकार इस परमात्मा काल से ऊपर बुद्धि किसी की नहीं थी। ये तो परमात्मा स्वयं आए, जो प्रत्येक युग में आते हैं, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ बिरतास का जठ रखनी प्रतिपाल। परमात्मा स्वयं आए 600 वर्ष पहले, उन्होंने आके ये ज्ञान कराया। अब श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में 414 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि कलयुग सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे, तो खाक विद्वान थे। वेदों में कहीं दुर्गा की पूजा का नामो निशान है? चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में दिखा दो गीता, राम कृष्ण की पूजा का जिक्र हो या दुर्गा की पूजा का कहीं भी वर्णन हो, तो ये खाक विद्वान थे, पढ़ने वेद और बकवाद ज्ञान बकवाद बतावें और वही बकवाद खुद करें। वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराण 18, ये पत्थर की पूजा करेंगे भूल गए सृजनहार। देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, गांव गांव में मंदिर बन जाए दुर्गा का, उनकी यह खास आस्था होती थी। ते मूर्ति पूजा का लठी नंगडवा रखे नकलिया ने, वेद पढ़े और बकवाद अपनी गड़िया करते, अपना दंत कथा लोक वेद बना के वो काल के जाल में सबको फंसा रखा था। अब श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कति निर्णय कर दिया, शर पुरुष और अक्षर पुरुष, दो पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु भगवान मालिक। सरपुरुष इसको ब्रह्म को कहते हैं, ज्योत निरंजन काल को कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और दुर्गा का पति है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, पुरुष है। और दूसरा अक्षर पुरुष, ये 7 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही मालिक है, इतना ही पुरुष है, इतना ही भगवान है। और इन इनके दोनों के लोकमर ये स्वयं भी जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। ये तो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती हो, तो विषय अलग है।
फिर उसमें 15वें अध्याय के गीता के 17वें श्लोक में निर्णय दे दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते है। और ये लोग तेरे में अवश्य विवर्ति अवैश्वर है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ भगवान श्रेष्ठ परमात्मा श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई दूसरा ही है और उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा इति उद्धारते उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ है दुख ना दे सुख ही दे। तो सतलोक के अंदर जहां से हम आए थे और जहां की हम अब प्रयत्न कर रहे हैं जाने की जहां को हम जाने की प्रेरणा कर रहे हैं वहां दुख नहीं है वहां मृत्यु नहीं है वहां वृद्धावस्था नहीं है किसी भी प्रकार का किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि उसमें लिखा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तो कोई और है श्रेष्ठ भगवान को पुरुषोत्तम का और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और तो परमात्मा भी कोनी परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा जो केवल सुख दे दुख ना दे किसी को। फिर और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एक लोक तो हो गया 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र सर पुरुष का। दूसरा लोक हो गया अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र। और तीसरा लोक है सतलोक और ऊपर के जितने 4 लोक हैं ऊपर सतलोक अलख लोक अगम और अनामी अकेल लोक वो चारों मिलकर एक लोक कहलाता है अविनाशी लोक है वो सारा। तो इस तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वही पूर्ण परमात्मा है। और जब हम एक ब्रह्मांड की बात करेंगे तो तीन लोक ये अलग हो जाते हैं पृथ्वी लोक पाताल लोक और स्वर्ग लोक। ये लोक तो एक मतलब ब्रह्मांड के अंदर ये भी लोक कहलाते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो इसमें 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और भगवान उसी को परमात्मा कहते हैं और तो परमात्मा भी नहीं है। श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में रुद्र संहिता के अंदर यो काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया इस बात पे भ्रमित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका रचयिता हूं मैं सबका उत्पत्ति करता हूं और भ्रमित होकर विष्णु जी को ये भ्रम है कि मेरी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और कुछ ऋषि जो साधना किया करते थे समाधि दशा के अंदर ये काल क्या छल करता है कि अपने वास्तविक रूप में इसने नहीं दिखना किसी को प्रतिज्ञा कर रखी है इसलिए अपने पुत्रों के रूप में किसी को ब्रह्मा जी के रूप में किसी को विष्णु जी के रूप में किसी को शिव जी के रूप में साधना काल में दर्शन दे देता है। जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह गुण गा दिए कि ब्रह्मा जी प्रजापिता हैं यही खुद मालिक है मैंने समाधि में देखा इससे ब्रह्मा जी की महिमा होगी। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए साधना में तो उसने विष्णु जी को भगवान बता दिया 10-20 को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए 10-20 को संग ब्रह्मा जी के रूप में 10-20 ऋषियों को दे दिए शंकर भगवान के रूप में। तो इन सभी ने अलग अलग इन्हीं देवताओं को सुप्रीम पावर मान लिया गलती से। ये है काल भगवान जो छल छिद्र छल करता है इनके साथ सच्चे परिचित नहीं होने देता किसी को। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा बाप कौन है ये तो परमात्मा ने आके बताया कि इनके माता पिता कौन कौन है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि उसमें क्या कहते हैं विष्णु और ब्रह्मा जी का आपस में इसी बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा बाप। जब इन दोनों का युद्ध हो गया तो बीच में इसने काल ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजो में। फिर ये लड़ना तो भूल गए उसके और छोर को खोजने लगे लंबी कहानी है। लेकिन उसी समय वो प्रकट हो गया वहां पर अपने पुत्र शंकर के रूप में। इन दोनों को समझाता है कि तुमने गलती से अपने आप को भगवान मान लिया यू आर नॉट गॉड तुम ईश नहीं हो। ये क्या कहता है ये सब मेरा है मैं यहां का ईश्वर हूं।
तो यहां सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने निर्णय दिया है कि मुल्ला माया मग में बैठी, मग माने रास्ते में, और अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, और दसमा भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। गरीबदास जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान को देखा जाना, उसके पश्चात अपनी अमृतवाणी में कहा है कि ये ज्योत स्वरूपी यो काल कहता मैं ही परमात्मा हूं, और एक न करता दो ना करता नौ बना दिए भाई, नौ तो जा लिए इनके उछल कूद मचा के, और दसवां भी ऐसे ही चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। एक सत कबीर दुहाई कि केवल एक कबीर परमात्मा जो है ये है अविनाशी परमात्मा, ये परमात्मा नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ज्योति निरंजन ही रिजेक्ट करता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान मालिक नहीं हो। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।